टू अवर सारिका स्टडी एकेडमी। आज साइंस का लेसन टू, क्लास सेवन का साइंस चैप्टर नंबर टू, न्यूट्रिशन इन एनिमल के क्वेश्चंस ले रही हूँ। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। क्वेश्चन वन है फिलिंग द ब्लैंक्स। द मेन स्टेप्स ऑफ डाइजेशन इन ह्यूमंस आर, उसका आंसर है इंजेशन, डाइजेशन, एब्सॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजिशन। ठीक है, नेक्स्ट है द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी इज, डैश में लीवर है, LIVER लीवर। द स्टमक रिलीजेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डैश जूस विच एक्ट ऑन फूड, गैस्ट्रिक आंसर है। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैज मैनी फिंगर लाइक आउट ग्रोथ कॉल्ड विली। अमीबा डाइजेस्ट इट्स फूड इन द, आंसर है फूड वैक्यूल। ठीक है, क्वेश्चन सेकंड पे चलते हैं। मार्क टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इफ इट इज फॉल्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट है डाइजेशन ऑफ स्टार्च स्टार्ट्स इन द स्टमक, उसका आंसर है फॉल्स। द टंग हेल्प इन मिक्सिंग फूड विथ सेल्विया, इसका आंसर है ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट है द गॉल ब्लैडर टेम्पररी स्टोर्स बाइल, इसका ट्रू आंसर है। द रुमिनेंट ब्रिंग बैक सॉल्ट ग्रास इन टू देयर माउथ एंड चोइंग विथ सम टाइम, ट्रू आंसर है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है टिक मार्क द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। फर्स्ट है फैट इज कंप्लीटली डाइजेस्टेड इन द स्टमक, इसमें इसके ऑप्शंस दिए स्टमक, माउथ, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसमें इसका आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, नेक्स्ट है वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्सॉर्ब मेनली इन द, इसके ऑप्शन है स्टमक, फूड पाइप, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इसका सही आंसर लार्ज इंटेस्टाइन। मैच द आइटम ऑफ कॉलम वन एंड कॉलम टू, फूड कंपोनेंट्स एंड प्रोडक्ट ऑफ डाइजेशन। कार्बोहाइड्रेट्स का आंसर है शुगर, प्रोटीन का अमीनो एसिड है, फैट्स फैटी एसिड है एंड ग्लिसरील। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर विली, व्हाट इज देयर लोकेशन एंड फंक्शन, इसका आंसर मैं पढ़ रही हूं। द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, दीज आर कॉल्ड विली। विली आर लोकेटेड इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। द विली इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्सॉर्प्शन ऑफ द डाइजेस्टेड फूड। ईच विलस हैज अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड विसल्स क्लोज टू इट्स सरफेस, द सरफेस ऑफ द विली एब्सॉर्ब द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स। वेयर इज द बाइल प्रोडक्ट प्रोड्यूस, विच कंपोनेंट ऑफ द फूड डज इट डाइजेस्ट। बाइल इज प्रोड्यूस्ड बाय द लीवर एंड इज स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर, बाइल जूसेस डाइजेस्ट फैट। इसमें क्वेश्चन सेवन है नेम द कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन बी डाइजेस्टेड By ruminant but not human being, give the reason also. Next answer hai uska, cellulose can be digested by ruminants but not by human beings. The human beings do not produce cellulose digesting enzyme. Next question hai, name the type of carbohydrates that can be digested by ruminants but not by humans, give the reasons also. इसका आंसर है सेल्यूलोस इज अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स दैट कैन बी डाइजेस्टेड बाय रुमिनेंट्स बट नॉट बाय ह्यूमन। रुमिनेंट्स हैव अ लार्ज सैक लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड रुमन विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। द सेल्यूलोस इज डाइजेस्टेड हियर बाय द एक्शन ऑफ सर्टन बैक्टेरिया विच आर नॉट प्रेजेंट इन humans. Next, why do we get instant
एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज. ग्लूकोज इज द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स विच कैन बी ब्रोकन इजिली टू गिव एनर्जी. सो ग्लूकोज इज कॉल्ड इंस्टेंट एनर्जाइजर. इसमें नेक्स्ट 10 क्वेश्चन है. विच पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव कैनल इज इन्वॉल्व इन एब्सॉर्प्शन ऑफ फूड. इसका आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन. चोइंग ऑफ फूड बकल कैविटी. किलिंग ऑफ बैक्टेरिया स्टमक. कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड स्मॉल इंटेस्टाइन. एंड लास्ट वन फॉर्मेशन ऑफ फेसिस लार्ज इंटेस्टाइन. नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है. राइट वन सिमिलैरिटी एंड वन डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रिशन इन अमीबा एंड ह्यूमन बींग. इसका आंसर है सिमिलरली बोथ अमीबा एंड ह्यूमन यूज डाइजेस्टिव जूसेस टू डाइजेस्ट फूड. डिफरेंस इज ह्यूमन नीड्स टू चॉ फूड वेयर एज इन अमीबा देर इज नो च्यूइंग. विच द आइटम ऑफ कॉलम 1 and 2. तो इसके सही आंसर है सैलिवरी ग्लैंड. इसका आंसर है सैलिविया सेक्रेशन. स्टमक एसिड रिलीज. लिवर बाइल जूस सेक्रेशन. रेक्टम स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड. स्मॉल इंटेस्टाइन डाइजेशन इज कंप्लीटेड. लार्ज इंटेस्टाइन एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर. ठीक है 2.2 का डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे आपको ऐसे करना होगा, ड्रॉ करना होगा. ठीक है मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके आपको बताया है. ठीक है ये ओरल कैविटी, टंग, टीथ, पोरोटाइड, सेल्वरी ग्लैंड. ठीक है फेरिनिक्स, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन. ठीक है लार्ज इंटेस्टाइन, एनस, रेक्टम, डेडनम्स, पैनक्रीस एंड ग्लैड ब्लैडर. ठीक है और यहाँ पे लीवर है. ठीक है तो ये एक आप देख लीजिएगा यहाँ पे टीथ. इसमें 14 क्वेश्चन है. कैन वी सर्वाइव ओनली ऑन रॉ लीफी वेजिटेबल ग्रास डिस्कस. इसका आंसर है नो बिकॉज टू लाइफ अ लाइफ अ हेल्दी लाइफ वी नीड अ कंप्लीट बैलेंस ऑफ ऑल न्यूट्रिशन. रॉ ग्रीन वेजिटेबल्स में हैव सेल्यूलोज विच कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय अस. सो ओनली ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स विल नॉट सॉल्व द पर्पस. ठीक है आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. तो ये वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा. ठीक है तो आज के लिए बस इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. टेक केयर. बाय.